मोहाली पुलिस ने कुछ महीने पहले एक वकील पर जानलेवा हमला करने के दोष में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लाइसेंसी असला और पुराने नोट मिले हैं, जिनमें वीरेंद्र सिंह और जसप्रीत सिंह जिला लुधियाना के रहने वाले हैं, जिनको उनकी कार PV65W9230 के साथ गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक 32 बोर का पिस्टल और 315 बोर की राइफल, लैपटॉप और 25,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। DSP ने बताया कि पिछले महीने जो वकील पर कातिलाना हमला किया गया था, उसमें उस व्यक्ति के साडू ने ही सुपारी देकर ये काम करवाया था, क्योंकि उसका साडू जो गुरप्रीत सिंह कनाडा में रहता है, उसका अपनी घरवाली के साथ झगड़ा चल रहा था और उसका तलाक भी हो चुका था, जिसके चलते उसको शक था कि वकील के साथ उसकी पत्नी के नाजायज संबंध है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने ही साडू पर कातिलाना हमला करवाने के लिए गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके दो साथी इंडिया में और एक कनाडा में है, जिनको पुलिस जल्द ही गिरफ्तार भी कर लेगी। 29 मई 2017 हरकृष्ण एडवोकेट के ऊपर कुछ अणछाते बंदा ने अटैक किया, पर ओनू वकील इस गल का पता सी मेरा सांडू नाल मेरी दुश्मनी चलती है, भी वह भी मेरे तो अटैक कराऊगा। उन्हें अपने पहले दिन भी जी FIR दर्ज कराई थी, उस भी यह गल लिखाई थी मेरे सांडू ने ही मेरे से मार देने की नीयत नाल यह अटैक करवाया। फिर दौरान तफ्तीश असी तफ्तीश करते रहे, तफ्तीश के दौरान यह गल सामने आई भी यह चार बंदा ने अटैक किया, लभण लई हुण साडे PCR दे दस्ते साडे थाने की पुलिस वख-वख थावां ते असी रेड भी कर रहे सी, नाके लगा के उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे। अभी दोपहर 2 बजे साडा जिहड़ा एयरपोर्ट के लागे बाकरपुर चौंक आ, उत्थों असी दो बंदे वरिंदर सिंह नूं ते बंबे नूं गिरफ्तार किया समेत लीगल गड्डी दे विच, ते उहदे कोल लाइसेंसी उहदा वैपन ने जिहड़े पिस्टल ते राइफल मिल गई आ, उन्हां ने इकबाल कर लिया भी हाँ असी इह जुर्म पैसे लैके किया सीगा। उहनां दे नाल दे दो साथी हले फरार ने, ते तीजा जिहड़ा कनेडा दे विच जिहने करवाया ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਾਂਡੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੱਕ ਥੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਲਾਮ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸ ਕੇ ਲਈ ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।